Okay, let's discuss. मैचिंग कॉन्सेप्ट डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग. पहले डिस्कस करेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है. मैचिंग कॉन्सेप्ट लेज ऑन द स्ट्रेस दैट रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर शुड बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट ईयर ओनली. मतलब अगर आपने 2020 के खर्चे लिए हैं तो आपने 2020 की ही रेवेन्यू लेनी है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एग्जैक्ट और एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस. मैचिंग कॉन्सेप्ट पता चल गया, सिखाया हुआ आपको मैंने. अगर 19 के खर्चे लिए हैं तो 2019 की क्या लेनी है, रेवेन्यू. रेवेन्यू का मतलब इनकम, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस. ये नहीं है कि दो सालों के खर्चे ले लो और एक साल की इनकम ले लो ओनली टू रिड्यूस द प्रॉफिट कि कल को मेरे को टैक्स कम देना पड़े. खर्चे दो सालों के ले लिए, ठीक है, और इनकम एक साल के लिए, तो डेफिनेटली प्रॉफिट कम हो जाएगा ना. काहे के लिए करते हैं बिजनेस हाउसेस, ये है स्टीलिंग ऑफ टैक्स, टैक्स की चोरी करना. सो वी शुड अवॉइड द सर्कमस्टेंस. हमारे लिए एक रूल बना दिया गया, जिस साल की इनकम लेनी है उसी साल के क्या लेने हैं, एक्सपेंसेस लेने हैं. चलिए लेट्स रीड. पहली ऑप्शन, द रेवेन्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर, पहले उसने बोला डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग. डज नॉट इंक्लूड मींस जो जो इस कॉन्सेप्ट का है वो तो ठीक है, जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है उसे टिक लगाना. पहला पॉइंट, विल यू एग्री, द रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड मस्ट मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड. अभी बोल के हटी, जिस साल की रेवेन्यू है उसी साल की एक्सपेंस आपस में मैच होने चाहिए, राइट. अगला, This concept also required allocation of cost on different accounting period. ये आपने अगर concept की wording पढ़ी हो तो आपको पता चलना है. I'm repeating the line. This concept also required allocation of cost on different accounting period. What is the meaning of allocation of cost? पहले सुनना. Allocation of cost means आपने खर्चा किसी एक साल में किया, total cost. For example, आपने 12 लाख का asset खरीदा एक साल में, ठीक है. अब आपने बोला कि इस एसेट की लाइफ कितनी है, 10 साल. जितनी उसकी कॉस्ट है उसको उसके लाइफ के साथ डिवाइड करके 1,20,000 हर साल आप डेप्रिसिएशन करोगे. दिस इज व्हाट वी कॉल एलोकेशन ऑफ कॉस्ट. क्यों एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है, सो दिस रेवेन्यू और दिस कॉस्ट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ईयर. मतलब जिस साल आपने खर्चा किया इकट्ठा 12 लाख, मैं एक साल का खर्चा नहीं दिखाऊंगी. क्यों? क्योंकि उस 12 लाख का बेनिफिट आपको आने वाले 10 सालों में होने वाला है. सो दिस कॉन्सेप्ट आल्सो ले स्ट्रेस. ये इसकी एग्जांपल है, यू कैन सी मैचिंग कॉन्सेप्ट की एक एग्जांपल है कि खर्चा अगर आपने एक साल में किया है, मान लो ये 1 करोड़ का खर्चा होता और 10 साल उसकी लाइफ होती, देन एवरी ईयर यू विल बी राइटिंग ऑफ हाउ मच. 1 करोड़ को 10 सालों से क्या कर देना, डिवाइड. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या ली, 12 लाख का एक एसेट खरीदा और 10 साल उसकी लाइफ है. So it's your duty ki 1,20,000 each year you will be treating as an expense. This is what we call allocation of cost to different accounting period. So matching concept mein aisa hota hai, theek hai. Second option is also related to matching concept, that is allocation of cost. Aage chalte hain. Third, the comparison of incomes and expenses of a period gives the net profit or loss for that particular period. क्या मतलब है, ये भी इसके साथ मैच करता है. जिस साल की रेवेन्यू है उसी साल का एक्सपेंस है, आपस में उनका कंपैरिशन करेंगे. अगर रेवेन्यू विल बी आर विल बी ग्रेटर देन ई तो प्रॉफिट होगा. यही लिखा उसने, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का ही है. आगे क्या लिखा, रेवेन्यू शुड ओनली बी रिकॉर्डेड इफ देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी अबाउट इट्स रियलाइजेशन. क्या मतलब है इस लाइन का, टिपिकल पॉइंट्स हैं. Revenues should only be recorded if there is a reasonable certainty about its realization. What it means? Revenue तभी record करनी है अगर उसकी मिलने की possibility है, ठीक है. ये revenue कौन सी record करनी होती, कौन कौन सी revenue record करनी है, you tell. अगर certainty वाली revenue मैं record करती तो कभी bad debt होता ही नहीं. It means कि जो revenue मिल गई है और जो मिलने वाली है दोनों revenues हैं, yet to be received. Accrual concept कहता है ना ये, ठीक है. तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में रेवेन्यू आपने वो लेनी है जो मिल गई है, जो मिलने वाली है वो भी लेनी है. सो ये हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट को क्या नहीं करता, पे अप्लाई नहीं होता. फोर्थ ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर. किस किस ने फोर्थ ऑप्शन को ठीक किया था और ये कहां से ढूंढा था आंसर, आपको चारों पॉइंट आपको आते नहीं है, मैंने एक्सप्लेन किए हैं तो आपको आए हैं समझ. एलोकेशन ऑफ कॉस्ट आता था किसी को, अच्छा डी क्लियर करना जरा. इसके साथ क्यों नहीं है, फिर आपने इसको क्यों नहीं टिक किया. अच्छा एलोकेशन का मतलब क्या है,
चार्जिंग ऑफ, अगर वर्ड वो लिखे चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन तो गोइंग कंसर्न की एग्जांपल है। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है, हर साल आपने 1,20,000 मतलब डिवाइड कर देना टोटल कॉस्ट, अगर आप ये कॉस्ट को नहीं डिवाइड करोगे उन सालों में तो एक्सपेंस कम हो जाएगा ना उस साल का। हर साल का एक्सपेंस कितना होना चाहिए, 1,20,000। ये नहीं है कि जिस साल एसेट खरीदा उस साल 12 लाख का एक्सपेंस दिखा दो, दिस इज व्हाट वी कॉल एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। तो अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये वाला एक्सपेंस आपने नहीं डाला देन योर प्रॉफिट कैन बी इन्फ्लेटेड। तो एक एग्जांपल दो कॉन्सेप्ट की हो सकती है, वहां पे हम गोइंग कंसर्न में इसको सीधा बोलेंगे डेप्रिसिएशन, यहां पे बोलेंगे एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, सिर्फ नाम चेंज किया, ठीक है। सो इफ अकॉर्डिंग टू यू इट इज एन एग्जांपल ऑफ गोइंग कंसर्न तो फिर इसको टिक करना बनता था, आपने नहीं किया एलोकेशन ऑफ कॉस्ट को। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट, यू हैव टू डिवाइड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इनटू द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच यू आर गोइंग टू डिराइव द बेनिफिट। आने वाले कितने सालों तक आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, आपने उतने सालों में उसे डिवाइड कर देना। चलिए जी आगे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी मीन्स विच इज सिग्निफिकेंट दैट इज ओनली टू बी रिकॉर्डेड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज टू बी रिकॉर्डेड। 10 रुपए का पेन खरीदा है, अगर मैं स्किप भी कर दूंगी तो मटीरियलाइज नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10,000 की स्टेशनरी खरीदी है पूरे साल की, अगर मैं उसे इग्नोर कर दूंगी तो दैट विल इफेक्ट, ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ मटीरियलिटी। उसने आपसे क्या पूछा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मटीरियलिटी। फर्स्ट, परचेज ऑफ कार फॉर प्राइवेट यूज, परचेज ऑफ कार फॉर प्राइवेट यूज इज इट मटीरियलाइज्ड, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। चलो ऐसे ऐसे डिस्कस करते हैं, शुड वी रिकॉर्ड इट परचेज ऑफ कार फॉर प्राइवेट यूज, मतलब इसे ड्रॉइंग सिखाना चाहिए था ना, ठीक है। ये उसने पूछा है जो एग्जांपल नहीं है मटेरियलिटी की, परचेज ऑफ प्लांट फॉर बिजनेस इज इट इंपॉर्टेंट, वी शुड रिकॉर्ड इट, ये भी नहीं हो सकती फिर ऑप्शन। परचेज ऑफ बिल्डिंग टू एक्सटेंड द बिजनेस, बिजनेस का साइज बढ़ गया है तो आपने ऊपर वाला फ्लोर भी खरीद लिया, पहले ग्राउंड फ्लोर आपके पास था अब आपने फर्स्ट स्टोरी भी उसकी खरीद ली, इट मींस कि ये भी एग्जांपल है मेरी मटेरियलिटी की, आई शुड रिकॉर्ड इट, एक ऑप्शन थी। परचेज ऑफ पेंसिल रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग इन स्टॉक, हाँ, परचेज ऑफ पेंसिल रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग इन स्टॉक, ये क्या है, एक पेंसिल 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए की होगी, सो अगर इसे आप लोगों ने क्या मान लिया, रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग इन स्टॉक, पेंसिल को स्टॉक में लेना चाहिए था, सिंगल पेंसिल को स्टॉक में लेना चाहिए था, तो दिस इज इनसिग्निफिकेंट फॉर अस, ठीक है, दिस इज नॉट रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, सो वी अफोर्ड टू स्किप इट, राइट। थर्ड पे चलते हैं, जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, दिस वॉज अ हिस्टोरिकल इवेंट व्हेन इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोदी गवर्नमेंट एंड द डेट वॉज 1st July 2017, ये सबको आपको लर्न करना था, ठीक है। सो इट ब्रॉट इन टू एक्सिस्टेंस ऑन 1st July 2017, राइट, ये मैक्सिमम बच्चों का ठीक होगा क्योंकि नेट से डायरेक्ट मिल जाता है। स्लैब्स डिस्कस करते हैं, 0% है, 5% है, 12% है, 18 एंड द हाईएस्ट इज 28, सो दिस वॉज योर थर्ड ऑप्शन करेक्ट, ये भी मैक्सिमम बच्चों का ठीक रहा होगा, डन। आगे चलते हैं, ये भी आसान है, What does I in IGST stands for? That is integrated, right? आगे चलते हैं जी। Assertion I am going to write on the board, then I will be writing reason for it. Assertion A, closing stock is valued at. किस पे होना चाहिए, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लेस, कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंजर्वेटिज्म ये कहता है, हाँ तो देखो इसमें, देखो इसको रिलेट करो उसके साथ, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट, नहीं बोला मैंने एट कॉस्ट और एमपी दैट इज मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कॉस्ट अगर आपके सब पड़े गोडाउन में पड़े सामान की कॉस्ट अगर 10 लाख है और मार्केट प्राइस आपका 12 लाख है, आप अगर 12 लाख पे उसे रिकॉर्ड करते हो, आप तो बैठे बैठाए उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करे जा रहे हो जो अभी मिला ही नहीं, सो यू आर रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट, सो ये एग्जाम्पल उसकी भी बनती है समृद्धि, दैट इज
कंजर्वेटिज्म, ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेस नॉट फॉर प्रॉफिट, मींस मेरे बिजनेस में एंटीसिपेटेड प्रॉफिट की कोई जगह नहीं है। जो प्रॉफिट अभी तक मेरे को मिला नहीं आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब सामान बिकेगा मेरे को 12 लाख मिलेगा तो मैं इसे रिकॉर्ड कर लूंगी प्रॉफिट की फॉर्म में। पड़ा पड़ा सामान हमेशा कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर लेस पे रिकॉर्ड करूं। मान लो मार्केट प्राइस 8 लाख होता तो मैंने 8 लाख पे रिकॉर्ड करना था, क्योंकि बैठे बैठाई ये पता नहीं मेरे को 10 लाख में बिकना है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में तो मेरे स्टॉक की वैल्यू क्या हो चुकी है, डाउन। रातों रात पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, क्या उस रात से पहले पेट्रोल पंप वाले ने उतना प्रॉफिट अपनी बुक्स में लिख लिया होगा? नो। जब तक वो नहीं बिकता हाई रेट के ऊपर दे कांट राइट द प्रॉफिट, मतलब एंटीसिपेटेड प्रॉफिट की कोई जगह नहीं है। जो प्रॉफिट अभी मिला नहीं है, मिलने की उम्मीद है, उसे एंटीसिपेटेड प्रॉफिट कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो पहली लाइन ठीक है, assertion करेक्ट है, ए इज करेक्ट, राइट। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मैंने लिख दिया विच एवर इज लेस। आर में उसने लिखा अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वी ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेस नेवर फॉर प्रॉफिट। आ गया ना वही वाला। अगर आपके माइंड में सिर्फ एक ही एग्जांपल होती कॉस्ट कॉन्सेप्ट की तो आप इसको रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों हम ऐसा करते हैं? बिकॉज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेस नेवर फॉर प्रॉफिट, इसलिए दोनों में से जो कम है उस पे मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी। ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, एंड आर इज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ए ऑप्शन वॉज करेक्ट, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की दोनों लाइनें है ना। एक ना आप पता नहीं इस बात से एग्री करोगे कि नहीं, मान लो अब मैंने ए ऑप्शन को करेक्ट करना है, लाइक ए भी करेक्ट है आर भी करेक्ट है। वो ये भी केस हो सकता है कि किसी चीज की मैं डेफिनेशन दूं, हाफ पार्ट में assertion में डाल दूं, हाफ पार्ट में रीजन में डाल दूं, तो भी ये ऑप्शन बनेगी, क्योंकि तो भी बिकॉज हो गया ना, उसी कॉन्सेप्ट के मैंने दो हिस्सों में बांटा। लाइक आई एम जस्ट डिफाइनिंग डेटर्स, द पर्सन हु ओ द मनी टू अस, ठीक है। अगली लाइन में मैं लिखती हूँ डेटर्स आर एसेट, सो इट इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट और इट इज टू बी डेबिटेड। डेटर के बारे में है दोनों लाइनें, ठीक है, डेटर की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रही है ना दोनों लाइनें, तो क्या होगा? ए ऑप्शन यू, सो समटाइम्स इट डू हैपन। तो आपने अगर ए ऑप्शन को करेक्ट करना है तो इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हो। एक मैंने आपको क्राइटेरिया बताया बिकॉज लगा के दोनों लाइनों को पढ़ लेना, मतलब ज्वाइन कर लेना, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर लेना बिकॉज लगा के, ठीक है। दूसरा ये देख लेना क्या उसी डेफिनेशन की दोनों लाइनें हैं, तो भी आपकी ए ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। सो दिस यू विल लर्न विद प्रैक्टिस, राइट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आपको पता था, कॉस्ट और मार्केट प्राइस उसकी एग्जांपल थी, इसलिए वी कांट मेक द प्रॉफिट अनलेस एंड अंटिल दे आर नॉट एक्रूइंग। जब तक वो प्रॉफिट मेरे को एक्चुअली मिल नहीं जाता तब तक मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करती। अगला देखिए जी, ए वेजेस व्हेन पेड आर डेबिटेड, एग्रीड। वेजेस व्हेन पेड आर टू बी डेबिटेड ना, करेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये क्या है एक्सपेंस, मैंने पहले ही बता दिया। अब रीजन में मैंने क्या लिखा, एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रीजन भी मतलब अपने आप में एक लाइन करेक्ट है, एज पर द रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हैड आई बीन राइटिंग एज पर नॉमिनल अकाउंट तो ए ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देती, एज पर नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पे मैं एक चीज और पता क्या कर सकती थी, अगर और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाती, पहला मैं यही लिखती वेजेस व्हेन पेड आर टू बी डेबिटेड, दूसरा मैं लिखती एज पर रियल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, तो मेरा रॉन्ग होता, तब ए करेक्ट होता और आर रॉन्ग होता। मैंने दोनों लाइनें ठीक लिखी, दोनों लाइनें करेक्ट है, लेकिन मेरी रीजन का मेरे ए के साथ कोई लेना देना नहीं है, सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट, एग्रीड। चलिए जी आगे चलते हैं, हिमांशु आपने बताना है आपने क्या आंसर लिखा है, मैं दोनों चीजें बोर्ड पे लिख रही हूँ, एंड एवरीबॉडी विल थिंक। हाँ जी हिमांशु आप ही का नाम है, दो हिमांशु तो नहीं है, एवरीबॉडी विल थिंक बट हिमांशु विल आंसर, ठीक है। सीजीएसटी ट्रीट दिस क्वेश्चन एज यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। सीजीएसटी एंड एससीएसटी इज लेविड व्हेन गुड्स आर सोल्ड within state, Himanshu will tell, but let me complete R also. The amount
collected through GST, will be shared, let me complete it, will be shared by central government and state government in 50:50 ratio, matlab equal ratio. CGST and SGST is levied when the goods are sold within state. The amount collected through GST will be shared by center and state in 50:50 ratio. Both A and R are true. Aage. ठीक है, agreed? क्योंकि दो हिस्सों में बांटना है और दोनों हिस्सों में उनका बराबर बराबर का शेयर है, बिकॉज ठीक है, और एक ही डेफिनेशन के, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के दो हिस्से हैं, इसलिए ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन रीजन जो है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया दो हिस्सों में बांटना है और वो दो हिस्से क्या होंगे, इक्वल होंगे. आई जस्ट कंप्लीटेड दिस सेंटेंस, अगली लाइन लिख के मैंने पहले वाले सेंटेंस को कंप्लीट किया. सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. ये भी मैक्सिमम बच्चों का ठीक है व्हेन आई सी द चार्ट. हाँ जी मांशु, बोलना है कुछ? हाँ, कहाँ पे आउटपुट होगा? नहीं, वो तो एक अलग से मेरे को लगता है मैंने डाला है आउटपुट और इनपुट वाला. कंफ्यूजन है इसके बारे में कुछ? चलो जी आगे देखो. सोल्ड हाउसहोल्ड फर्नीचर फॉर 20,000 बाय प्रोप्राइटर विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अपने घर का फर्नीचर बेचा तो हम इसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन. ठीक है, पहला करेक्ट है. रीजन में मैंने क्या लिखा? नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी एक्सप्लेनेशन ही तो है. बिकॉज लगा के लाइन को कंप्लीट करो. बिकॉज नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगेन इट इज ए ऑप्शन, राइट? रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. आगे चलते हैं. ये गलत है, जिस बच्चे का मैंने रिस्पॉन्स खोला हुआ है उसने गलत किया. सुजर्श आपने आंसर करना है. एसर्शन आई एम राइटिंग वाइल प्रिपेयरिंग लेजर. लेजर वाला अभी ताजा चैप्टर की है. वाइल प्रिपेयरिंग लेजर इफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स आर नॉट सेम वी डू बैलेंसिंग. इस लाइन से सभी एग्री करते हो? अगर दोनों साइड का टोटल सेम है फिर बैलेंसिंग कहां करनी? फिर तो बराबर आ गया टोटल. जो एक साइड का टोटल है वही दूसरी साइड का बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. तो दिस लाइन इज करेक्ट. मतलब अगर डेबिट ग्रेटर है क्रेडिट से या वाइसा वैसा है तो भी हम दोनों केसेस में बैलेंसिंग करते हैं. लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. रीजन में मैंने लिखा लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. दोनों करेक्ट है. लेजर इज नॉट द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट. यहाँ पे अगर मैं लिखती लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री तो दोनों करेक्ट होते, फिर भी दोनों का आपस में रिलेशन नहीं होता. ठीक है, फिर बी ऑप्शन होती. आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यू नीड टू रीड द कॉन्सेप्ट थॉरोली. लेजर इज नॉट कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो जी आगे चलते हैं. 11th question we have arrived at. Which of the following account will be credited on giving cash donation? पहले अपने माइंड में डोनेशन की एंट्री लेके आओ. डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. सो कैश अकाउंट वॉज योर ए ऑप्शन. देयर यू हैव टू, वेरी इजी. विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन गिविंग कैश डोनेशन. एक मैंने लिखा कैश अकाउंट, दूसरा मैंने लिखा डोनेशन अकाउंट, तीसरा मैंने लिखा परचेसेस अकाउंट, और चौथा तो वैसे ही इरेलेवेंट था, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. ठीक है, सो कैश अकाउंट वॉज द करेक्ट ऑप्शन. अगला सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल है, फिर राइट ऑप्शन ढूंढेंगे. ओम एंड कंपनी डेली सोल्ड गुड्स टू मोहन. लिस्ट प्राइस वॉज 1 lakh, 20% TD, कैश डिस्काउंट वॉज, आपने बतानी कैलकुलेशन, कैश डिस्काउंट वॉज 2%. मोहन ने 50,000 पे किया. इमीडिएटली CGST एंड SGST वॉज 6%. हाउ मच CGST एंड SGST विल बी एडेड इन द इनवॉइस?
कैलकुलेट करके बता दो, यहाँ पे करने लगे ना 20% पहले डीडी माइनस होगा, कर दिया 80,000, 80,000 में से 50,000 पे किया, 50,000 के ऊपर कैश डिस्काउंट मिलेगा 2%, ठीक है, 50,000 का 2% मींस 1,000 कैश डिस्काउंट मिला, बाकी कितना रहा 79 ही, यही होगा। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, इनवॉइस का मतलब कौन सा होता है, बिल गिवन ऑन क्रेडिट परचेसेस, तो यहां पे तो पेमेंट हो गई तो बिल कितने का बनना है, बिल 79 का ही बनना है। अब 79 का 6% किया, 79,000 का 6% किया, करो जरा 79,000 का 6%, आपने कहा कैलकुलेट करके किया, करो फिर किसका किया, यू टेल मी, अच्छा 50 का करना, करो सॉल्व इट एवरीवन, कैसे ऑप्शन करा नलिन, अब यू गॉट फुल मार्क्स, हाउ यू सॉल्व इट, एक मिनट सॉल्व करो कॉपी पे।